आप मुतमईन हैं? हम उसके मुजरिम के हिसाब से तो मुतमईन हैं, मगर उसकी माँ का थोड़ा बहुत तो हाथ बनता है, उसको कुछ ना कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। मगर चलिए अल्लाह खैर करे, कम से कम वो तो अब इंशाल्लाह जेल जाएगा और इंशाल्लाह फांसी चढ़ेगा, इसके बगैर नहीं होना चाहिए। मैं सब जवान बच्चियों को देखता हूँ, उनके साथ में लोगों को देखता हूँ, आदमियों को लड़कों को देखता हूँ, मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि ये कहीं इसको बहका रहा होगा, इससे एक्सटॉर्शन कर रहा होगा और आएगा इवेंचुअली, मुझे हर वक्त डर लगा रहता है। क्या इस हवाले से आप अदालत में दोबारा कोई दरख्वास्त दायर करेंगे जो समीना शाह को बरी किया गया? उनसे बात करूँगा कि क्या करना चाहिए, और मगर उसके शाहनवाज के हिसाब से तो हम मुतमईन हैं और इंशाल्लाह उसको फांसी होगी। इसी तरह नूर मुकदम साहब का, ये शौकत मुकदम साहब हैं, नूर मुकदम का केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। हम काजी ईसा साहब, हमारे मोहतरम काजी ईसा साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि इन केसेस को जल्द से जल्द निपटाया जाए ताकि को फैसला मिले, सब लोगों को इंसाफ मिले, क्योंकि ये केस अब 8-9 महीने हो गए हैं कि हाई कोर्ट ने भी नूर मुकदम के केस में मुजरिम को सजा कायम रखी, ना सिर्फ कायम रखी बल्कि उसको बढ़ा दिया, और अगर हम हाई कोर्ट गए तो मेरे ख्याल में उसकी माँ को भी सज़ा ज़रूर मिलेगी। हम 109 का चालान जो है उसके ख़िलाफ़ वापस नहीं ले रहे, क्योंकि हमें शक है कि उसने भी तावन ज़रूर किया है, और शाहनवाज को भी सज़ा मिलनी चाहिए और उसकी माँ को भी सज़ा मिलनी चाहिए। मुलज़िम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल थे, तो और तो कोई मुश्किल नहीं थी, मगर यह है कि ज़रा टाइम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़रा 2-4 महीने ज़्यादा लग गए, और यह है कि उनके वकील साहब ज़रा डिले में आते थे, पता नहीं उनका स्केड्यूल कैसे होता था, तो कोई ना कोई वजह होगी, कुछ पॉलिटिकल वजूहत भी थी जिनकी वजह से कुछ केसेस केस में डिले हुई, मगर ओवरऑल इट्स नॉट बैड। चलो अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम मेन मुजरिम को तो कोर्ट ने सजा दी है, और हम ये चाहते हैं कि हम इंसाफ होता हो भी देखें, ये ना हो कि ये पड़े पड़े 2-4 साल के बाद पता लगे कि हर कोई भूल गया है, और पता लगे कि ये लोग बाहर फिर रहे हैं, क्योंकि अब हमें कुछ अजीब सा फील होने लगा है यहाँ के, मालूम नहीं कि क्या हो। हम चाहते हैं कि हमारे सामने शौकत मुकदम साहब को भी इंसाफ मिले नूर मुकदम के केस में, और सारा के केस में हमें भी इंसाफ मिले। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे साथ बहुत तआवुन किया, और आपके बगैर हमारी आवाज़ बुलंद नहीं हो सकती थी, और आप लोग मेरे ख्याल में इस मुल्क के लिए, इंसाफ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और लोगों की लोगों की मुश्किलात के लिए आप लोग बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं।